नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे द 100 का 18वां मुकाबला जो खेले जाने वाला है मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस ओवल के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 6 अगस्त को खेले जाने वाला है। 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा अमीरात ओल्ड इंग्लैंड की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच की हमारी फाइनल फैंटेसी टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए, ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन लगा के चलें, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वॉइस कैप्टन होना चाहिए, कितने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी दोस्तों मैनचेस्टर ओवल ओरिजिनल्स की टीम से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रम्प प्लेयर दोस्तों ओवल की टीम से देखने को मिलेंगे, यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेके जा सकता है जिसको हम यूनिक कैप्टन ट्राई करके चलें, कौन सा स्पिनर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, पेसर्स के अकॉर्डिंग टीम बना के चलनी है या फिर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर को कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक मिल रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में कि अमीरात ओल्ड मैनचेस्टर इंग्लैंड की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इसी के हिसाब से दोस्तों फाइनली जीएल प्लस एसएल का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। तो पिच दोस्तों बैलेंसड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 11 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मुकाबले दोस्तों यहां पर अभी तक विन किए हैं, यानी कि जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसके विनिंग चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसी के साथ एवरेज स्कोर, तो यहां पर दोस्तों पिच का जो एवरेज स्कोर है जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका एवरेज स्कोर 141 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने बनाया हुआ है 189 रन पे 3 विकेट, और सबसे कम स्कोर दोस्तों यहां पर एनएस का है ओनली 83 रन पे ऑल आउट है। तो यानी कि दोस्तों मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर मैनचेस्टर की टीम ने किया हुआ है। उसी के साथ बॉलिंग सेक्शन की बात करें, लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए थे उसमें दोस्तों पेसर्स को 36 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 30 विकेट मिली है, यानी कि इस पिच पर पेसर्स काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं, प्लस में स्पिनर्स भी काफी बढ़िया या फिर परफॉर्मेंस आपको करके देंगे और स्पिनर आपके टीम के ट्रम्प प्लेयर भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि स्पिनर्स का हर मैच में लो सिलेक्शन देखने को मिलता है और रिसेंट के मैचों में एडम जंपा ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। उसी के साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 7 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 3 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 1 बार स्कोर है जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने बनाया था, 190 से ऊपर अभी तक इस पिच पर स्कोर देखने को नहीं मिला है। पिच पे दोस्तों यहां पर आपको बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी और कम से कम स्कोर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं रीसेंट मुकाबलों के बारे में। रीसेंट 2024 में द 100 के 2 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने दोस्तों यहां पर मुकाबला खेला था जो कि मैच को हार के आ रही है इसी पिच पर, जिसमें 1 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने दोस्तों सेकंड अभी रीसेंट में मुकाबला खेला है जो कि दोस्तों यहां पर ट्रेंट रॉकेट्स के सामने मैच को हार के गई थी, 9 विकेट स्पिनर्स को मिली थी और 4 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी। 2023 की बात करें तो 2023 में दोस्तों इस टीम ने 2 मुकाबले रीसेंट में खेले थे जिसमें से 1 मुकाबला विन किया और 1 मुकाबला दोस्तों इस टीम ने हारा था, जिसमें 12 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 4 विकेट पेसर्स को, और सेकंड मैच में 3 विकेट स्पिनर्स को और 8 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। यानी कि रीसेंट के जो यहां पर 2024 में मुकाबले खेले गए हैं दोनों के दोनों मैच दोस्तों मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने इस पिच पर हारे हैं, चाहे पहले बैटिंग करके आ रहे हों या फिर दोस्तों चेस करते हुए आ रहे हों। और इस पिच पर स्पिनर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया है, 8-9 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिली हुई है। उसके साथ हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अनुसार बात करें कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, हेड टू हेड में कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है, तो हेड टू हेड के लास्ट के जो 4 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों ओवल की टीम ने 3 मुकाबले विन करके रखे हैं। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने दोस्तों 1 ही मुकाबला अभी तक हेड टू हेड में विन किया है। रिसेंट में ये टीम दोस्तों 4 मुकाबले द 100 2024 के खेले हैं, 4 के 4 मुकाबले दोस्तों इस टीम ने
बैक टू बैक हारे हैं। और यहां से ओवल की तरफ से बात करें तो इस टीम ने भी दोस्तों चार मुकाबले खेले हैं, चार में से तीन मुकाबले दोस्तों इस टीम ने विन करके रखे हैं, यानी कि हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ओवल की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। रिसेंट में भी दोस्तों काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रही है। इसी टीम से हमें कैप्टन और वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा और इसी टीम से दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहां से ट्राई करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन फिलिप साल्ट, जो कि रिसेंट के मैचों में फ्लोपी देखने को मिला है। मैक्स होल्डन आपको देखने को मिलेगा ओपनिंग बैट्समैन। उसके बाद दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों की बात करें तो पॉल वॉल्टर और उसके साथ सिकंदर रजा, इन दोनों खिलाड़ियों का दोस्तों सीवीसी में हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहां से दोस्तों ओवरटोन को आपको हाई सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। फजल अल फारूकी का वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन है। तो ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी मैनचेस्टर की टीम की तरफ से। बात कर लेते हैं इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कि रिसेंट में कौन सा खिलाड़ी किस प्रकार की बैटिंग करके आ रहा है, हेड टू हेड में किस खिलाड़ी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। ओपनिंग बैट्समैन फिलिप साल्ट विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिसेंट में 40 रन, उसके बाद 7 रन, फिर यहां से 16 रन, फिर दोस्तों 0, फिर यहां से 9 रन है। रिसेंट की 5 इनिंग इस खिलाड़ी ने खेली है, 40 रन हाईएस्ट इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिले हैं। हेड टू हेड में 12 का एवरेज स्कोर है, 22 का एवरेज स्कोर ग्राउंड पे है, 25 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का हैंडेड बॉल में है। यानी कि रिसेंट के मैचों के अकॉर्डिंग बात कर लो, हेड टू हेड वेन्यू और यहां से हैंडेड बॉल, लगभग हर फॉर्मेट में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोपी देखने को मिला है। एक ही मैच में 40 रन का स्कोर इस खिलाड़ी ने किया हुआ है। उसके साथ दोस्तों मैक्स होल्डन, जो कि रिसेंट में 7 रन, फिर यहां से 2 रन का परफॉर्मेंस, 40 रन, 2 रन, 6 रन, हेड टू हेड में 2 मुकाबले, 18 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है, 19 का एवरेज स्कोर दोस्तों ग्राउंड पे, और हैंडेड बॉल में 18 का एवरेज स्कोर है। मैक्स होल्डन की तरफ से भी दोस्तों 5 इनिंग रिसेंट में इस खिलाड़ी ने खेली है, हाईएस्ट इस खिलाड़ी की तरफ से भी 40 रन का स्कोर देखने को मिला है। दोनों खिलाड़ियों का दोस्तों 40-40 रन का हाईएस्ट स्कोर है जो लास्ट की 5 इनिंग खेल के आ रहे हैं। तो यहां से बात करें इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, तो यहां से दोस्तों मैं फिलिप साल्ट को ही ट्राई करके चलूंगा क्योंकि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट दोस्तों ये खिलाड़ी देगा। बाकी दोस्तों यहां पर नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर मैथ्यू, जो कि रिसेंट वाले मैच में 78 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, फिर यहां पर 2 रन, फिर दोस्तों 30 रन बैटिंग नहीं, 1 रन, फिर यहां से 15 रन के साथ परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों फ्लो पे एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 2 रन के साथ परफॉर्मेंस, 40 का एवरेज स्कोर, हैंडेड बॉल में है। तो नंबर 3 के खिलाड़ी को दोस्तों आप पिक करके चल सकते हो क्योंकि रिसेंट की इनिंग काफी बढ़िया है। अगर बात करें हैंडेड बॉल की तो उसमें भी एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, 2 ही मुकाबले खेले हैं, 80 रन ये खिलाड़ी बना चुका है, 40 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके साथ दोस्तों वेयन मथसन रिसेंट में फ्लोप, उसके बाद 43 रन नाबाद, फिर 28 रन, फिर 5 रन, फिर यहां से 22 रन। हेड टू हेड में 2 मुकाबले, 57 रन इसके पास है, ग्राउंड पे इसके पास 32 का एवरेज स्कोर है, हैंडेड बॉल में 21 का एवरेज स्कोर है। और जितने भी हैंडेड के मुकाबले चले हैं रिसेंट में, ओपनिंग बैट्समैन का बहुत ही रेयर चांसेस है कि ड्रीम टीम में वो देखने को मिले, 20-22 रन या फिर 15 रन के करीब वो खिलाड़ी विकेट देता है। तो नीचे के जो बैटिंग ऑर्डर है जैसे कि ऑलराउंडर ऑप्शन में वेयन मथसन और यहां पर मैथ्यू, ये खिलाड़ी हमें ड्रीम टीम में देखने को मिलते हैं। तो ये खिलाड़ी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का जो बैटिंग ऑर्डर है वो दोस्तों इन मैचों में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। उसके साथ दोस्तों पॉल वॉल्टर रिसेंट में 3 रन प्लस में 1 विकेट, 6 रन प्लस में 0 विकेट, उसके बाद 29 रन प्लस में 1 विकेट, 0 रन, 1 विकेट, 0 रन, 2 विकेट। रिसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों विकेटें हैं, एक ही मैच में फ्लोप है, हेड टू हेड में 2 विकेट, ग्राउंड पे 16 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, प्लस में 3 विकेट, हैंडेड बॉल में 24 विकेट दोस्तों ये खिलाड़ी निकाल चुका है। सिकंदर रजा का सीवीसी में हाई सिलेक्शन देखने को मिला है रिसेंट के मैचों में, 8 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट, 13 रन, 0 विकेट, 21 रन प्लस में 2 विकेट, फिर यहां से 13, 8 रन, 1 विकेट। रिसेंट में दोस्तों इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच है, ग्राउंड पे 2 मैच खेले हुए हैं, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 2 विकेट, हैंडेड बॉल में भी 2 विकेट है। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी को आप सीवीसी में ट्राई करके मत चलना क्योंकि इस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा आपको हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में। इसके साथ साथ पॉल वॉल्टर का भी हाई सिलेक्शन है सीवीसी में। सिकंदर रजा ने रिसेंट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, पिछले कुछ T20 मैचेस खेल के आ रहा है इंडिया के साथ, उसमें दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 1 मैच में 2 विकेट और 1 मैच में 1 विकेट। रिसेंट के 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मैचों में ये खिलाड़ी
फ्लोप है। उसके साथ ओवरटॉन रिसेंट में 7 रन, फिर यहां से 25-0, 23, फिर यहां से 2 रन हेड टू हेड में, 65 रन इसके पास है। ग्राउंड पे 11 का एवरेज स्कोर है, 100 बॉल में 28 का एवरेज स्कोर है। टॉम हार्टले रिसेंट में फ्लोप, फिर यहां से 1 विकेट 2 रन 3 विकेट 5 रन 0 विकेट 1 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 4 मुकाबले 20 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 3 विकेट भी निकाल रखी है। ग्राउंड पे 13 विकेट है, टोटल 10 मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 30 विकेट निकाल चुका है 100 बॉल में। तो ये बॉलर दोस्तों 1 विकेट जरूर निकाल के देगा, और इस खिलाड़ी का लो सिलेक्शन है, स्पिनर है। स्पिनर को दोस्तों इस पिच पर हेल्प मिली है रिसेंट के मैचों में, 8-8, 9-9 विकेटें भी दोस्तों स्पिनर्स ने इस पिच पर निकाली हुई है। उसी के साथ उसामा मीर रिसेंट में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, फिर कंटिन्यू 3 इनिंग इस खिलाड़ी की फ्लोप देखने को मिली। हेड टू हेड में 1 ही मुकाबला खेला है जिसमें 0 विकेट है, ग्राउंड पे 2 विकेट ले चुका है, 100 बॉल में 9 मैचों में 9 विकेट है। ये खिलाड़ी भी दोस्तों 1 विकेट आपको जरूर निकाल के देगा, और रिसेंट में दोस्तों इस खिलाड़ी ने 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया, उसके बाद 1 विकेट है, फिर बैक टू बैक 3 मैचेज इस खिलाड़ी के फ्लोप देखने को मिले हैं। उसके साथ करी रिसेंट में फ्लोप, फिर यहां से 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, 2 विकेट अभी तक निकाल रखी है 100 बॉल में, ग्राउंड पे 2 मैचेज खेल चुका है, 1 विकेट है। हेड टू हेड में दोस्तों इस खिलाड़ी का पहला मैच है। उसके साथ फाइनल बॉलर यहां पर फजल अल फारूकी, रिसेंट के मैच में 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया, उसके बाद कंटिन्यू 3 इनिंग इस खिलाड़ी की फ्लोप देखने को मिली है, फिर यहां से 1 विकेट, हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों 2 मैचेज इस खिलाड़ी ने खेले हैं जिसमें 0 विकेट, 100 बॉल में 2 विकेटों के साथ ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर चुका है। तो ये दोस्तों फाइनली आपको मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों फजल अल फारूकी के देखने को मिलेंगे, पॉल वॉल्टर के, करी के, फिर यहां से सिकंदर रजा के देखने को मिलेंगे। डेथ में दोस्तों करी, फजल अल फारूकी, उसामा मीर और यहां से पॉल वॉल्टर। पॉल वॉल्टर दोस्तों स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करवाएगा और डेथ में भी बॉलिंग करवाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों करी की बात करें, ये भी स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाएगा और डेथ में बॉलिंग करवाएगा, और फजल अल फारूकी, तो यानी कि ये 3 बॉलर हैं, इनको विकेट मिलने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से कैप्टनसी में पॉल वॉल्टर भी काफ़ी बढ़िया चॉइस है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करते हुए नजर आएगा। बैटिंग भी इस खिलाड़ी की काफ़ी ऊपर है, प्लस में दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग के ओवर भी लेके आएगा, इस खिलाड़ी को विकेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं बेंच प्लेयरों के बारे में, टोटल दोस्तों 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से जो सेकंड टीम रहेगी ओवल की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, कि इस टीम से हमें कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है। ओपनिंग बैट्समैन आपको विल जैक्स है, उसके साथ डेविड मलान है, फिर दोस्तों जॉर्डन कोक्स है, सैम बिलिंग्स है, और यहां से सैम करन जो कि रिसेंट के मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, टॉम करन है, उसके साथ साथ यहां पर एडम जंपा जो कि रिसेंट के मैचों में विकेटें काफी ज्यादा निकाल रखी है। तो बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में ओवल की टीम की तरफ से कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में देखने को मिल सकता है। बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीवीसी ट्राई करके चलना है या फिर बॉलिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग सीवीसी ट्राई करके चले। ओपनिंग बैट्समैन विल जैक्स जो कि रिसेंट वाले मैच में 2 रन प्लस में 1 विकेट, फिर यहां से 7 रन 0 विकेट 25 रन 0 विकेट 6 रन 2 विकेट 20 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 4 मुकाबले 2 विकेट है, ग्राउंड पे फ्लोप है, 100 बॉल में 9 विकेट ले चुका है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। डेविड मलान हेड टू हेड में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस, 84 का एवरेज स्कोर, 98 रन इसके पास है ग्राउंड पे, और 100 बॉल में 33 का एवरेज स्कोर है। दोनों खिलाड़ी आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल जैक्स आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करते हुए नजर आएगा। डेविड मलान का दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू दोनों फॉर्मेट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, 100 बॉल में भी 33 का एवरेज स्कोर है, रिसेंट में भी यहां से 38 रन के साथ परफॉर्मेंस किया है, 1 मैच में 93 रन नाबाद, 1 मैच में 24 रन नाबाद, फिर 17 और 0 रन की 2 थोड़ी सी लो पा रही है, फिर यहां से 38 रन के साथ परफॉर्मेंस किया है। ये खिलाड़ी रिसेंट के मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया हुआ है। विल जैक्स की बात करें तो ये खिलाड़ी भी
लगभग 10 से 12 बॉल करवाएगा, विकेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। फिर यहां से जॉर्डन कॉक्स विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट वाले मैच में 14 रन, फिर 15 रन, 26 रन, 45 रन नाबाद, उसके बाद 0 रन। हेड टू हेड में 2 मुकाबले 19 रन इसके पास है, 9 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड में फ्लोप है 38 का एवरेज स्कोर, हैंडेड बॉल में है। नंबर 3 का खिलाड़ी है, ट्रंप प्लेयर है, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। रिसेंट के मैचों की बात करें तो लगभग 10+ का स्कोर इस खिलाड़ी का हर मैच में देखने को मिलेगा। एक ही मैच में फ्लोप है, बाकी के हर मैच में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ड्रीम टीम में ये खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल सकता है, अगर पहले बैटिंग करती है ओवल की टीम या फिर ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी फ्लोप होता है तो ये खिलाड़ी भी काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आ सकता है। उसके साथ सैम बिलिंग्स रिसेंट में 17-2-3-31 रन नाबाद, फिर उसके बाद 37 रन है। हेड टू हेड में 4 मुकाबले 39 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 53 का एवरेज स्कोर, हैंडेड बॉल में 20 का एवरेज स्कोर है, 408 रन इसके पास है 27 मुकाबलों में। विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिसेंट के 5 इनिंग की बात करें तो हाइएस्ट 37 और 31 रन का परफॉर्मेंस है। उसके साथ सैम करन रिसेंट वाले मैच में 51 रन नाबाद प्लस में 5 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया। उसके बाद 2 रन 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 24 रन। रिसेंट की 3 इनिंग इस खिलाड़ी की काफी खतरनाक देखने को मिली है। रिसेंट वाले मैच में 51 रन नाबाद प्लस में 5 विकेट, उसके बाद 2 रन 2 विकेट, फिर यहां से 20 रन 2 विकेट। हेड टू हेड में 3 विकेट है, ग्राउंड पे 24 का एवरेज स्कोर है, 25 विकेट इसके पास है हैंडेड बॉल में। फिरारिया रिसेंट में 2 रन, फिर यहां से 49, 30, 22, 7 विकेट कीपर ऑप्शन। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों इस खिलाड़ी का पहला मुकाबला होने वाला है, हैंडेड बॉल में 27 का एवरेज स्कोर। अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके जाने वाला हूं, और ऑलराउंडर दोस्तों आज के मैच में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आएंगे। फिर यहां से बात कर लेते हैं टॉम करन के बारे में। रिसेंट में 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है, और बाकी के पीछे के जो मैचेस खेल के आ रहा है काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में अभी तक 3 ही मुकाबले खेले हैं, 112 रन प्लस में 2 विकेट, ग्राउंड पे दोस्तों 16 का एवरेज स्कोर, हैंडेड बॉल में 22 विकेट इसके पास है, और 47 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। टॉम करन की बात करें तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपको एक ना एक मैच में जरूर यूनिक कप्तान देखने को मिल जाएगा। इस खिलाड़ी का भी लो सिलेक्शन देखने को मिलेगा, और लगभग दोस्तों रिसेंट के मैचों की बात करें तो 2 इनिंग में ये खिलाड़ी फ्लॉप देखने को मिला है। टॉम रिसेंट में बैटिंग नहीं, 7 रन बैटिंग नहीं, 12 रन, 0 विकेट, 6 रन, 18 रन, 17 रन प्लस में 0 विकेट, हैंडेड बॉल में 1 विकेट है, ग्राउंड पे 27 रन है, 18 का एवरेज स्कोर, बैटिंग से हैंडेड बॉल में इस खिलाड़ी का देखने को मिला है। अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलना है। नाथन साउटर की बात करें तो रिसेंट में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, फिर यहां से फ्लोप है, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट। हेड टू हेड में 4 मुकाबले 5 विकेट है, ग्राउंड पे फ्लोप है, और हैंडेड बॉल में 17 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी ने अभी तक परफॉर्मेंस किया है। एडम जंपा रिसेंट की 4 इनिंग में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, 3-3 विकेट और 1 विकेट। ये खिलाड़ी भी दोस्तों कैप्टनसी में आपकी टीम का एक सेफ कप्तान देखने को मिल सकता है, और सैम करन भी आपकी टीम का एक सेफ कप्तान है। हेड टू हेड में 2 विकेट है, ग्राउंड पे भी 2 विकेट है, हैंडेड बॉल में 20 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया है। एडम जंपा को आप वॉइस कैप्टनशिप में जरूर ट्राई करके चलना, क्योंकि रिसेंट की 4 इनिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। उसी के साथ फाइनल बॉलर यहां से स्पेंसर जॉनसन, रिसेंट वाले मैच में फ्लोप है, फिर कंटिन्यू 1-1 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया। हेड टू हेड में अभी तक 1 ही मुकाबला खेला है, जिसमें 3 विकेट दोस्तों इस बॉलर ने निकाली हुई है, ग्राउंड पे पहला मैच है, और हैंडेड बॉल में 7 विकेट इस बॉलर के पास है। तो ये दोस्तों फाइनली आपको ओवल के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग के ओवर कौन सा खिलाड़ी लेके आएगा, और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों यहां से आपको स्पेंसर जॉनसन के देखने को मिलेंगे, सैम करन है, टॉम करन है, विल जैक्स है, और डेथ में दोस्तों सैम करन, एडम जंपा, टॉम करन और स्पेंसर जॉनसन, ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों 4 खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टार्टिंग के ओवर लेके आएंगे। स्पेंसर जॉनसन दोस्तों डेथ में भी बॉलिंग करवाएगा, विकेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों बेंच प्लेयरों के बारे में, टोटल 6 बेंच प्लेयर हैं, और इनमें से कोई भी फाइनली खिलाड़ी अपडेट होता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, प्लस में वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों फिलिप साल्ट, उसके साथ वियान मत्सन,
फिर यहां से पॉल वॉल्टर, फिर सिकंदर रजा। ये चार खिलाड़ी दोस्तों आपको मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम से हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, विल जैक्स, डेविड मलान और सैम करन, एडम जंपा। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों की बात करें तो मैथ्यू और टॉम हार्टली, टॉम हार्टली एक विकेट या फिर दो विकेटों के साथ भी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकता है। स्पेंसर जॉनसन जो कि स्टार्टिंग के ओवर करवाएगा, डेथ में भी बॉलिंग करवाएगा। टॉम करन की बात करें तो इस खिलाड़ी ने रिसेंट के दो ही मुकाबले खेले हैं, दोनों मैचों में फ्लोप है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। यूनिक कैप्टनशिप में भी देखने को मिल सकता है आपको टॉम करन, और लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। इसी के साथ फाइनल फैंटेसी टीम, जिसमें दोस्तों यहां पर मैंने विकेट कीपर ऑप्शन सैम बिलिंग्स को भी पिक किया है। एक टीम में फिलिप साल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वियान मत्सन है, यहां से ओवरटोन है, यहां से आपको डेविड मलान भी देखने को मिलेगा। डेविड मलान मैंने दोनों टीमों में पिक करके रखा है। और कैप्टनसी की बात करें तो दोनों टीमों में मैंने कैप्टनसी में यहां से सैम करन को पिक करके रखा है। वॉइस कैप्टन आपको सिकंदर रजा एक टीम में देखने को मिल जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन आप विल जैक्स को वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो, या फिर आप यहां से पॉल वॉल्टर को वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ यहां पर तीन बॉलर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर दोस्तों मैंने स्पेंसर जॉनसन को दोनों टीमों में ट्राई किया है, एडम जंपा भी वॉइस कैप्टनशिप में काफी बढ़िया चॉइस है, विल जैक्स को आप कैप्टनशिप में भी ट्राई करके चल सकते हो अगर यहां से ओवल की टीम पहले बैटिंग करती है तो। ये मेरी आज की दो फाइनल फैंटेसी टीमें देखने को मिलेंगी। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।